स्टार्ट करो तो आज हमें। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आप आई होप कि आप लोग तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस जहां ना तो हे गाइस, तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस हम जी कौन है विजय रिया ब्लॉग का एक ब्लॉग देखने वाले हैं जो भी कल परसों आज ही अपलोड हुआ है। तो गाइस दिखाते हैं उसमें क्या है। ये कोई अरबी के पत्तों का टेस्टी रोटी, मतलब क्या है मुझे लग रहा है वो ये पितौला। तो गाइस उसे देखते हैं इस ब्लॉग में कैसे कैसे इसने बनाए हैं। एकदम बहुत फील आते हैं इनके व्यूअर करीब। तो गाइस ऐड आ चुका है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी सावन का महीना चल रहा है, आज दूसरा सोमवार है और आज भी सावन का पूजा पाठ करते हैं और फास्टिंग करते हैं। हर सोमवार मतलब नहा धोवा करके पूजा पाठ करते हैं। तो आज भी ये अभी सुबह सुबह नहा धोवा करके फ्रेश हो गए, पूजा पाठ अपना कर लिए। और दोस्तों आज हम लोग स्पेशल चीज बनाने वाले हैं सावन महीना का, गांव का बहुत ही स्वादिष्ट आज रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, आप सभी लोगों तक शेयर करेंगे। और क्या बनाएंगे दोस्तों अभी आप सभी लोगों को ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। और हम लोग आ गए अपना प्यारा सा किचन में, तो चलिए हम लोग अब तैयारी करते हैं बनाने का। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग ले आए हैं चावल है, जिसको कहते हैं अरवा चावल। अरवा चावल बहुत ही शुद्ध होता है दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं पूजा पाठ में भी अरवा की चावल लगाई जाती है भोग के रूप में। निकालिए इसको और आज इसमें नाप के भी निकालेंगे अरवा चावल को। और अरवा चावल प्योर, ये देसी वाला अरवा चावल है दोस्तों। एक शेर कितना शेर देना है? तीन शेर। हम लोग तीन आदमी है, हम रियाजी और चादी, जैसे जानते हैं हमारा छोटा सा परिवार है दोस्तों। तो तीन शेर दिए, निकाल के हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज हम इसको साफ करते हैं। और मेरा पैंट उठ गंदा हो गया दोस्तों, इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम काम करने के लिए सुबह गए थे अपना प्यारा सा घर में और जस्ट आए हैं काम करने। तो दोस्तों चलिए हम चावल को आप आज पटकते हैं। होगा कि नहीं छोड़ देगा हम कर, देख रहे ना, लेकिन नहीं होता है। तो हो तो रहा, गंदा तो निकल रहा है, देखिए ना इधर गंदा निकल रहा है, कितना सारा गंदा निकला। अच्छा थोड़ा थोड़ा पटकिए, काहे कि ये वाला बहुत अच्छा रहता है चावल, गंदा नहीं रहता है। और दोस्तों देखिए पटकने का आवाज सुन के इधर मुर्गी आ गई, ये देखिए मुर्गी ले जाए, दे दिए मुर्गी को भी खाने के लिए। और कैसे पटक रहा, लेकिन अच्छे से नहीं पटका रहा, आप कर लीजिए, हमको नहीं आता, क्योंकि हर काम हर किसी से नहीं होती है दोस्तों, सबका अलग अलग हुनर होता है। अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से पटक। और यहाँ ऐसे चावल को पटक रहे दोस्तों, देखिए कितना गंदा निकल रहा है, ये भूसा है, थोड़ा निकल रहा है। तो इसको साफ कर लिए, अब इसको फुला देते। तो साफ अच्छे से हो गए दोस्तों, पानी में हम लोग इसको फूलने के लिए देते हैं चावल को। हो गया, जोड़ दे, हो गया। अब इसको 5 मिनट छोड़ देते। तो दोस्तों इसको 5 मिनट छोड़ दे रहे हैं फूलने के लिए, चावल अच्छी तरह से फूल जाएगी और फिर हम लोग इसको छानेंगे और इसको हम लोग ले जाएंगे कूटने के लिए। बनाएंगे दोस्तों, हमारा चावल भी अच्छी तरह से फूल गया है और इसको हम लोग छाकेंगे, सूप में छाक छाक के रखेंगे और थोड़ा सा इसका पानी को हम लोग निकलने के लिए देंगे। तो अच्छी तरह से पूरा फूल गया दोस्तों चावल, तो मिल करके चावल को लोग छाक देते हैं, जल्दी हो जाएंगे। और चांदनी भी आ गई, चांदनी का तो हाथ गंदा है, हाथ दिखा रही है, तुम पहले हाथ धो लो, हाथ धो पहले, पूरा रगड़ो रगड़ो अच्छे से, नहीं गिराना है ना, इसको सामने कर देना। देखिए जैसे चू रहा पानी सूप से और अपने निकल रहा, और थोड़ा थोड़ा इसको मतलब कि सूखना सूखना चाहिए थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर अच्छे से कुटाएगा नहीं। अभी हम जाएंगे इसको कूटने के लिए, जल्दी होगा कूटेंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह से हमारे चावल भी सूख गई है, मतलब हल्का हल्का सूखा हुआ होना चाहिए, पूरा भी नहीं। तो चलो इसको लेके चलते हैं कूटने के लिए ढेकी से।
बगल में ही पड़ोस में ढेंकी है, तो ही हम लोग चलेंगे अभी कूटने के लिए पड़ोस का घर, और कूट करके लाएंगे चावल को, उसके बाद फिर बनाएंगे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ ढेंकी के पास, पहले आप लोग देखे होंगे फिर ढेंकी से हम लोग कूटे दो बार, और यहाँ लोग ढेंकी से कूटेंगे दोस्त। खास करके पुरखों का जमाने में ढेंकी का यूज बहुत होता था, और अभी भी गांव के लोग करते हैं ढेंकी का यूज। जैसे आप लोग देख रहे हैं ढेंकी है, ये प्योर लकड़ी का बना हुआ है, ये बहुत वजनदार होता है दोस्तों ये ढेंकी। चलिए हाँ इसको साफ कर लीजिए, देखिए इधर पैर से दबाना पड़ता है, उसको कूटना पड़ता है। और यहाँ जी पहले इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, बाकी हम लोग कूटेंगे। देखिएगा बच कर कह रहे थे, एक बार आपका उंगली ही चिपा गया था, चिपा ना जाए। दोस्तों अच्छी तरह से साफ सफाई हो गई, अब चलिए इसको लोग अब कूटते हैं चावल को, और आप सभी लोगों को दिखाते हैं कूट करके कैसे इसको कूटा जाता है। हाँ डालिए भैया जी, वहाँ ढेकी में डाल रहे हैं दोस्तों चावल को। तो दोस्तों ये को पेट सीधा दबाना पड़ता है, हो गया ना, तो चावल डाला हुआ हो गया दोस्तों। चलिए इसको कूटना चालू करते हैं इस तरह से अच्छे से, है ना। देखिए हाँ तो फटाफट हम लोग कूट लेते हैं, और भैया जी उधर उसका रहे, देखिएगा हम आपको नहीं देख पा रहे ठीक ना, आप अपने से देख लीजिएगा, नहीं तो कहीं आपका हाथ चोट ना लग जाए। देखिए दोस्तों वहाँ हाथ को वहाँ घुसाना पड़ता है अंदर में, और कूटना पड़ता है इस तरह से, देखिए हाँ होने से जल्दी होता है, चलता हुआ ढेकी में हाथ को घुसाना पड़ता है और कूटना पड़ता है। दोस्तों मेरा चावल हो गया कूटा हुआ, भैया जी चाल रहे हैं अच्छी तरह से हम लोग कर लिए कूट लिए, और ये देखिए दोस्तों इतना सा हम लोग का चावल कूट करके हुआ है, दिन से चावल दिए थे। अब चलिए अब जाते हैं, अब हम लोग बनाने का तैयारी करते हैं। चलिए हाँ कर दिया साफ सफाई, चिंकियाँ किन्नी और का घर है तो साफ सफाई भी कर देना जरूरी है, तो फिर बोलेंगे कि काम करके चल गए। चलिए दोस्तों आ गए हम लोग चुनी को ले करके अपना किचन में, और अब हम लोग तैयारी करेंगे। और दोस्तों हम लोग बनाने वाले आज अरबी पत्तों की स्वादिष्ट रोटी बनाएंगे देसी तरीके से, तो आप सभी लोगों को अभी दिखाएंगे दोस्तों। तो चावल ले आए हैं, अब क्या करते हैं ना तोड़ के आते हैं, तो दोस्तों हम लोग चलेंगे अरबी पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि सावन का महीना में अरबी का पत्ता बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते लोग, मतलब गाँव में देसी तरीके से बनाएंगे आज। तो चलिए एगो सूप ले लीजिए, इधर एगो सूप रखा हुआ दोस्तों, तो लोग जाते हैं और तोड़ करके लाते हैं अरबी पत्ता को, इसको बोलते हैं हसुआ, इसी से हम लोग काट के लाएंगे अरबी पत्ता को। चलिए हाँ मिक्स करके हम लोग बनाएंगे। दोस्तों लोग आ गए अरबी के खेतों में, अरबी पत्तों के खेतों में, ये अरबी का खेत है, कितना ही हरियाली हरियाली लग रहा है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे बहुत ही यहाँ मतलब पत्ता है अरबी का पत्ता। तो चले हम लोग तोड़ते हैं, अच्छा अच्छा पत्ता हम लोग चुन के तोड़ते, ये सब तोड़े ना बहुत अच्छा अच्छा पत्ता, और थोड़ा छोटा छोटा तोड़िएगा, बड़ा बड़ा नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये नाजुक वाला तोड़ेंगे, बच्चा वाला आज छोटा छोटा काटेंगे ना। आ जाओ इधर से आ जाओ, रास्ता है आ जाओ, चांदनी उधर रो रही है, और दोस्तों चांदनी तो यहाँ छुप जा रही है अरबी के खेतों में, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्ता ही है चांदनी, उतना बड़ा बड़ा। और चांदनी माथे में ले लिए सूप को, और याद इधर पत्ते को इधर काट रहे हैं अपना चुन चुन के, हाँ इतना सा हो गया, ज्यादा नहीं चाहिए, हो जाएंगे नहीं हो जाएगा, हाँ प्योर हम लोग गांव का तरीका से बनाएंगे। क्या हुआ, चलो आ जाओ इधर से, चलो इधर पापा आ जाओ। दोस्तों पत्ते को पहले अच्छे से धो लेते हैं, और हम लोग आ गए कुआं के पास, कितना ही ऊपर में पानी है दोस्तों अभी कुआं में, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही ऊपर में अभी पानी है कुआं में, तो इसको रगड़ रगड़ के धो लेते हैं अच्छे से, और चांदनी भी आ गई धोने के लिए। अब चांदनी देखिए पत्तों से खेलती है कैसे, यहाँ पानी डाल रही है अरबी का पत्तों में, तो इसको रगड़ के धो लेते हैं। हाँ देखिए मोती की तरह ना लगता है, पानी दे दीजिए जी, देखिए ये देखिए दोस्तों मोती की तरह लगता है पानी अबदन, ये देखिए कैसे हो रहा है। चलिए लोग धो लेते हैं फटाफट सारे पत्ते को, चांदनी खेल रही है, तो अच्छी तरह से हम लोग धो लिए। अब चलिए अब चलते हैं अब घर की ओर, और जाकर के बनाएंगे। भैया जी ऑर्डर दे रहे, ले लीजिए बाल्टी। चलिए इसे भी तो मेरा काम ही है ले जाना, अब रस्सी
अच्छा रस्सी डाल रही है परात में। चलिए मम्मी को हरा के दिखाओ। देखिए हम वही पूछे ना कुछ काम है तो बोल रहे नहीं कुछ काम नहीं बोल रहे प्याज काट दिया तो चलिए हम प्याज काट देते हैं। रियाजी का क्लास हाथ बढ़ा देंगे तो भी सहयोग हो जाएगी। प्योर देसी वाला प्याज है गांव का प्याज है ये छोटा छोटा है ना। हाँ छोटा छोटा। 11 बज गया है अभी तक सोई नहीं है। हम लोग का तो आग ही इधर नहीं जल रहा है बाहर में दिक्कत होता थोड़ा सा हाँ। तो दोस्तों हम प्याज काट लिए अच्छी तरह से। ये देखिए प्याज हम छोटा छोटा काट दिए और याद इधर सिलपट्टा पे अपना मसाला ले लिए हैं लहसुन मिर्च जीरा गोलकी सब ले लिए और इधर पिसाई कर रहे हैं। हाँ चादू भी पिसोगी सिलपट्टा में सिलपट्टा वाला कितना हाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों सिलपट्टा का पिसा हुआ खाना मसाला। हाँ पिछले तो जल्दी जल्दी हम लोग चारों से कितना अच्छा से देख रही है दोस्तों मसाला भी पिसा हुआ हो गया। और चलिए हम लोग साग को अब देख लेते हैं कि हमारा साग कहीं ज्यादा उबल जाएगा तो फिर खराब हो जाएंगे हमारे साग। पहले उसको देख लेते हैं। हाँ रियाजी मसाला को इधर उठा रहे हैं देखिए इसको पहले देख लीजिए खराब हो जाएंगे फिर साग। पहले उसको देख लीजिए। हाँ हो गया कि नहीं बताइए। हाँ, उतार दीजिए उसको उतार दीजिए। अब इसको उतार के इधर रख लीजिए। हाँ इसको क्या दोस्तों अरबी के पत्ते कुछ इस तरह से भी दिख रहे हैं उबाल दिए हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गए हैं पूरा उबल गया है। इसको निकाल इसको अब छाक करके दूसरा थाली में रख लेते हैं। बहुत ही अच्छा तरह से उबल गया हमारा साग। अरे इसे थोड़ा सा उबालने से अच्छा होता। हाँ सीध गया अच्छे से सीध गए। तो दोस्तों अरबी के पत्ते भी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम लोग अब बनाने का तैयारी करते हैं दोस्तों। ये देखिए अच्छे से सीज गए हैं। अब चुनी को हम लोग डाल करके हम लोग अब इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये रहा हमारा चुनी जो लोग कूट के लाए हैं इसको डाल दीजिए बर्तन में। एक बार सब डाल दीजिए ना। नहीं सब नहीं डालना। अच्छा अच्छा फिर पत्ता भी दिखना चाहिए पहले इतना हम लोग ले लिए दोस्तों गमला में चुन्नी ले लिए। अब इसमें हम लोग मसाला मिक्स कर लेते हैं। हाँ इसमें हम सारा मसाला मिक्स कर लेते हैं जैसे कि हम लोग जो पीस के रखे हुए हैं हरदी मसाला इसमें जो है जीरा गोलकी और इसमें प्याज है और इधर मसाले हमारे और भी बहुत सारे हैं दोस्तों इधर सब डालेंगे। हाँ यहाँ भी और भी बहुत सारे मसाला इसको लोग सारा डाल देंगे अच्छे से जो लोग पीसे हुए हैं दोस्तों सिलपट्टा में ये मसाला को रियाजी डाल दिए प्याज भी डाल दिए। हाँ प्याज भी डाल दिए और इधर कुछ कुछ हमारे पैकेट के मसाले गरम मसाला डाल दे रहे हैं। हाँ, ये रहा गरम मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दे रहे हैं कलर आने के लिए। हाँ कश्मीरी मिर्च इसका और स्वाद बढ़ जाएगा कश्मीरी मिर्च से बस कलर आता है। उसके बाद हल्दी। हाँ हल्दी तो सारा हम लोग डाल लेते हैं दोस्तों अच्छे से। दोस्तों सारा हम लोग मिक्स कर लिए हैं और इसमें बस नमक डालना बाकी था
तो नमक डाल करके अच्छे से इसको हम लोग हाँ इसको हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं पानी दे करके। हाँ ये तो हम डालना ही भूल गए थे, ये तो सबसे जरूरी यही हमारा। हाँ इसको डाल करके हम लोग मिला लेते हैं, हल्का पानी देंगे। हाँ हल्का पानी हम लोग देंगे।